Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you example 8 of chapter 1 number system from class 9 CBSE NCERT book. Example 8 is given that so that 1.272727 equal to 1.27 bar can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. तो आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि आपको ये जो संख्या है उसको आप बार में दिया है. बार का मतलब होती है आप ये दोनों संख्या को कितने बार भी लिख सकते हैं. यहाँ जैसे 6 बार दिया है, 1, 2, 3, मतलब ये पूरा संख्या 6 टाइम दिया है. तो आपको 27, 27, 27 ये तीन बार दिया है, तो आप कितना टाइम भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि ये संख्या के ऊपर बार है. लेकिन आप ये संख्या मेरा डेसिमल में है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर या फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. लेकिन आपका जो क्यू होगा वो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले आपको क्या करना है, लेट एक्स को एक्स इक्वल टू ये संख्या मान लीजिए, एक्स इक्वल टू 1.272727 जितना लिखा है उतना ही लिख दीजिए आप, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1. ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड. ठीक है, 100 यहाँ क्यों इंटू करेंगे, क्योंकि ये जो बार है मेरा ये दोनों संख्या के ऊपर है. ठीक है, अगर एक संख्या के ऊपर होता तो मैं एक ही मतलब 10 इंटू करता, अगर दो संख्या के ऊपर है तो 100 इंटू करूँगा, अगर तीन संख्या के ऊपर बार होता मतलब ये जो लाइन है अगर तीन संख्या के ऊपर होता तो 1000 इंटू करते, लेकिन यहाँ दो संख्या के ऊपर है इसलिए मैं 100 दोनों साइड इंटू करूँगा, मतलब यही इक्वेशन में मैं इंटू करूँगा. तो यहाँ करते हैं हम एक्स इंटू 100 कर दिया मैंने, इक्वल टू था, इक्वल टू दे दीजिए. ये जो संख्या लिखा है उसको पहले लिख लीजिए 1.272727 इंटू 100, दोनों साइड मुझे 100 इंटू करना था. तो अभी क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा, 100x इक्वल टू ये संख्या अभी डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में ले लीजिए आप. तो फ्रैक्शन में लेने के लिए क्या करना है आपको, जो संख्या दिया उसको पहले लिख लीजिए, इंटू 100 था 100 लिख लीजिए, बाय आपको क्या करना है आपके जो राइट हैंड है मतलब यहाँ से आपको गिनना है कि कितने संख्या छोड़ के पॉइंट है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः संख्या छोड़ के पॉइंट है, मतलब 1 में आपको 6 0 लगाना है. ठीक है, 6 0 लगाना है. अभी देखिए यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, यहाँ 100x इक्वल टू यहाँ और 4 0 बच रहा है. अभी इसको फिर से डेसिमल में ले आइए आप. डेसिमल में लाने के लिए क्या करना है, जो संख्या है उसको आप लिख लीजिए 1, 2, 7, 2, 7, 2, 7, फिर उसको आपको जो लास्ट डिजिट से आपको क्या करना है, यहाँ जैसे नीचे 4 0 है मतलब 1 में 1, 2, 3, 4 4 0 है, तो आपको आपके राइट हैंड से 4 संख्या छोड़ के पॉइंट दे देना, मतलब ये 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट. ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2. अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को मतलब ये वाला इक्वेशन को आपको इक्वेशन 2 से आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 100x इक्वल टू 127.2727, देन इक्वेशन 1 था मेरा x इक्वल टू 1.2727, वहाँ और एक पैर 27 था तो यहाँ और एक ले लेते हैं हम, यहाँ माइनस कर देते तो ये 7 से 7 जाएगा 0, 2 से 2 0, ये सभी 0 हो जाएंगे. पॉइंट दे दीजिए आप 1, ये 7 से 1 जाएगा 6, ये 2 को 2 1, तो 126, और ये 100x माइनस x ये 99x बीच में इक्वल टू था दे दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 99x इक्वल टू 126. पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहती तो उसको मैं नहीं लिखा. ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट टर्म के पास लेना है आपको, तो 126 ये इस तरफ इंटू था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो सकता है 9 के टेबल में, 9 11 जरा होता है 99 और 9 14 जरा होता है 126, तो ये हो जाएगा 14 by 11. सो देयरफॉर x इक्वल टू 14 by 11, मुझे रेशनल नंबर मतलब p by q फॉर्म में लेना था, तो
ये मेरा आ गया और क्यू मेरा यहाँ जीरो नहीं है, मुझे यही यही रिप्रेजेंट करना था। थैंक यू।